हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिष कॉर्नर। आज मैं बना रही हूँ फ्रूट पॉप्सिकल्स। ये देखिए, तरबूज की, आम की और अंगूर की फ्रूट। ये रंग बिरंगी फ्रूट पॉप्सिकल्स गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, मेरी बेटी अपना फेवरेट मैंगो फ्लेवर एंजॉय कर रही है। आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? और अब हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं सबसे पहले अंगूर और चीनी ली है साथ में मैंने, मिक्स करने के लिए थोड़ी सी। और ये एक बाउल लिया है तरबूज का, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, बीज निकाल के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। और एक बाउल लिए हैं मैंने आम, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें इन सब की प्यूरी बनानी है। सबसे पहले मैं अंगूर की प्यूरी बना रही हूँ। ग्राइंडर में डाल के अंगूर को मैं ग्राइंड कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़रूरत लगे तो। देखिए, ये हमारे अंगूर ग्राइंड हो रहे हैं। देखिए, अंगूरों का रस निकल गया है। और अब मुझे, मैं इस रन को छान लूँगी, क्योंकि अंगूर की में काफ़ी छिलके हैं जो निकल जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप इसे मत भी छाने। ये अंगूर का रस मैंने हाफ हाफ दो बाउल्स में कर लिया है। एक बाउल में मैं चीनी मिलाऊंगी और एक में नहीं मिलाऊंगी। मैंने एक चम्मच चीनी मिलाई है। चीनी इसलिए मिलानी ज़रूरी है, इससे आइसक्रीम अच्छी जमती है। अब ये मैं मोल्ड्स में भर दूंगी अंगूर का रस। एक मोल्ड मैंने हाफ भरा है और एक मैंने पूरा भर दिया है। और अब मैं इसे बंद करके 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। बिना चीनी का अंगूर का रस, इसकी मैंने आइस क्यूब्स बनाने के लिए आइस ट्रे में डाल दिया है इसको, और इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। अब इतने में बाकी फ्रूट्स की प्यूरी बना लेते हैं। ये तरबूज है और आम है, इनकी प्यूरी बनाते हैं। अब तरबूज को मैं ग्राइंडर में डाल के 5 सेकंड के लिए पीस लूँगी। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से इतना पानी होता है। देखिए, हमारे तरबूज बिल्कुल ग्राइंड हो गया है। और आम की भी प्यूरी बना लेते हैं। आम में थोड़ा सा पानी डाल के प्यूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आम में पानी कम होता है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। ये देखिए, हमारी दोनों प्यूरी रेडी हो गई है, तरबूज की और आम की। अब ये थोड़ा हाफ मैंने तरबूज का रस अलग रख लिया है, इसमें मैंने चीनी नहीं मिलाई है। और जिनकी हमें आइसक्रीम जमानी है, उनमें मैं एक एक चम्मच चीनी मिला रही हूँ दोनों में। हम चीनी ग्राइंडर में भी मिला सकते हैं। अब अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेंगे। मीठा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं चीनी, अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। ये जो हाफ हमने अंगूर का रस भरा था, ये थोड़ा जम गया है। इसी के ऊपर मैं तरबूज का भी रस डाल रही हूँ, जिससे ये मिक्स फ्रूट की बार बनेगी हमारी। और अब धीरे धीरे हम सारे मोल्ड्स में भर देंगे। तरबूज को मैंने छाना नहीं है बिल्कुल भी, इसे छानने की ज़रूरत नहीं लगती है बिल्कुल भी। अब मैं मैंगो की प्यूरी मोल्ड्स में डाल रही हूँ। बच्चों को ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इसकी मार्केट वाली आइसक्रीम बार्स में बहुत ज़्यादा चीनी होती है और केमिकल्स भी होते हैं, कलर वगैरह, प्रिजर्वेटिव। इसलिए घर पे बनाई हुई बहुत हेल्दी और बहुत इजी भी है बनाने में ये।
ये हमारी सारी मोल्ड्स में मैंने भर दिया है और अभी इन्हें बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम 8 घंटे के लिए इन्हें फ्रीज़र में रखना है। अब ये हम सारे ढक्कन अच्छे से टाइट बंद कर दिए ताकि जम जाए। और ये जो बिना चीनी का तरबूज का रस है इसकी भी हम आइस क्यूब्स बना लेंगे। आइस ट्रे में डाल रही हूँ मैं इसको, इसको भी हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब हमने इनको फ्रीज़र से निकाल लिया है, ये देखिए कितने अच्छे से ये जम गई है बिल्कुल। और इसे अब मैं 10-15 सेकंड के लिए नॉर्मल पानी में रखूँगी ताकि ये आसानी से निकल जाए। ये देखिए हमारी रेड रेड वाटरमेलन बार निकल गई है। ये अंगूर की है, ये अंगूर और तरबूज की मिक्स और मैंगो बार। ये बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, ठंडी ठंडी गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। हमारी आइसक्रीम बार्स बिल्कुल रेडी है सारी खाने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये हमारी आइस क्यूब्स भी जम के तैयार हो गई हैं। ये देखिए बिल्कुल हार्ड जमी हुई है ये देखिए। और ये देखिए इनको हम और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। 1 वीक के लिए हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसे हम लस्सी वगैरह में डाल के सर्व कर सकते हैं। और दूसरा ये स्किन केयर के लिए भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम कभी भी फ्रेश जूस निकाल के हर वक्त यूज़ नहीं कर सकते स्किन पे, इसलिए जब हमें भी कभी भी आइस फेशियल करना हो तो उसके लिए ये क्यूब्स अच्छी रहती हैं, हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ये देखिए आइस फेशियल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पोर्स को टाइट करता है और उसके साथ में फ्रूट का मिक्सचर हो तो उसके क्या कहने। थैंक यू।